ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टू पॉइंट्स को कवर कर लिया था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में. तो थर्ड पॉइंट आता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. डेमोक्रेसी में जो भी एडल्ट सिटीजन होता है उनका एक ही वोट होता है और हर वोट की वैल्यू जो होती है वो वन वैल्यू, यानी कि सबके वोट की वैल्यू इक्वल होती है. ईच एडल्ट सिटीजन मतलब एडल्ट मतलब द पर्सन हु इज अबव 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो 18 साल से ऊपर का है वो सब लोग वोट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग पावर होती है. ओके, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ईच एडल्ट सिटीजन जो है उसकी वोट की वैल्यू होती है और सबके वोट की वैल्यू इक्वल होती है. नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट्स बाय. देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो रूलर्स होते हैं वो काम करते हैं किसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द मैनेजमेंट या फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करती है, द लिमिट्स सेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको काम करना होता है और सिटीजन्स के राइट्स को इंश्योर करना होता है. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो उनको अलाउड किया जाता है फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन. देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा जो एक चेक पॉइंट होता है वो अपोजिशन पार्टीज होती है. अपोजिशन मतलब वो पार्टी जिनको उतने वोट्स नहीं मिल पाए कि वो मेजर पार्टी बन के रूल कर पाती, तो अपोजिशन पार्टी पार्टीज होती हैं और ये पार्टी क्या करती है, चेक एंड बैलेंस करती है जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है. तो इनका होना बहुत जरूरी है एक हेल्दी, एक फेयर डेमोक्रेसी के सिस्टम के बनने में. नेक्स्ट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो होती है दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि सारे जो पीपल होते हैं उस कंट्री में उनका जो भी मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि सबके पास जो रूल ऑफ लॉ है, जो इक्वालिटी है वो सब लोगों के लिए एक जैसी है. दैट मीन्स नो वन is rich or poor, no one is bigger or small, no one is everybody is equal before the law. तो ये सारी चीजें वहां पर discuss की जाती है. ठीक है, तो ये इसके main features हो गए democracy के. Next इसमें आता है मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी यानी कि ये जो सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया है डेमोक्रेसी का, तो इसके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं. तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होता है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये एक बेटर गवर्नमेंट होती है बिकॉज ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. मोर अकाउंटेबल मतलब कि दिस गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द पीपल, यानी कि वॉट एवर डिसीजन द गवर्नमेंट हैज टेकन इट हैज टू आंसर द पीपल वाई इट हैज टेकन दैट दिस डिसीजन. जो भी डिसीजन सरकार लेती है उस डिसीजन को क्यों लिया गया है. सिटीजन्स कैन आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट. लोग सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं और ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करता है, मतलब जस्टिफाई करना पड़ता है. जैसे अभी हम रिसेंट टाइम में अभी हम जस्ट क्या देख रहे हैं कि इंडिया को लॉकडाउन कर दिया गया है फॉर द 21 डेज. तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, यानी कि लोग पूछ रहे हैं कि आपने लॉकडाउन क्यों किया, तो गवर्नमेंट को आंसर देना है और जस्टिफाई करना है कि येस दिस इज द रीजन, दैट्स वाई वी हैव टू टेक द डिसीजन फॉर द 21 डेज लॉकडाउन. नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. यस, देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कंट्री को एडमिनिस्टर करते हैं. तो जब बहुत सारे लोग बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की वो इंप्रूव होती है. ठीक है, और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मतलब वो इमेजिन किया जाता है कि ऑब्वियसली दे पीपल विल मास्टर ऑफ ऑल देयर मिनिस्ट्री. वो अपनी मिनिस्ट्री के अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो भी मतलब एरिया दिया गया है उसमें वो मास्टर होंगे. नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको क्या करना है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड्स के पीपल हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कास्ट के, हर तरीके के लोग हैं. तो उनके साथ आपको कोऑपरेट करके चलना है, उनके साथ आपको कोप अप करके चलना है. और जैसे ये यहाँ पर मेनली इंडिया में है तो हमारे यहाँ पर रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज के बेसिस पे काफी डाइवर्सिटी है, तो आपको सब चीजें मैनेज करके चलना है. नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड इट पॉसिबल टू कीप. देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यस, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर रखा है, हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको यूनाइट कर रखा है, यानी कि लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ आराम से बहुत ज्यादा भाईचारे के साथ, ब्रदरहुडनेस के साथ, पेट्रियोटिज्म में रहते हैं. तो ये सारी चीजें इंडिया में ही पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है उसको जो मेजोरिटी में है, यानी कि जो ज्यादा नंबर में लोग मिल रहे हैं, लोग हैं इंडिया में, और जो माइनॉरिटीज में है, माइनॉरिटीज मतलब जो कम संख्या में लोग मिलते हैं, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियंस हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पारसी लोग हो गए, ये माइनॉरिटीज है इंडिया की। तो इंडिया दोनों को हैंडल करके चल रही है, ट्रीट करके चल रही है, और बैलेंस ट्रीट है, यानी कि दोनों को इक्वल लेवल पे लेके चल रही है, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो। लास्ट वन इज द डेमोक्रेसी, नो वन इज अ परमानेंट विनर और लूजर। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि आप एक बार पार्टी में रूलिंग में आ गए हैं तो आप ही परमानेंट हो गए, नहीं। जो डेमोक्रेट जो भी गवर्नमेंट होती है वो एक टेम्परेरी ब्यूरोक्रेट होती है। टेम्परेरी मतलब क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू वर्क फॉर द 5 years, उसको 5 साल के लिए ही काम करना है। तो डेमोक्रेसी में ना तो कोई परमानेंट होता है ना ही कोई टेम्परेरी, मतलब ना तो कोई परमानेंट विनर होता है ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है। हो सकता है इस साल जो गवर्नमेंट आई है अगले 5 सालों के बाद फिर कोई और गवर्नमेंट आ जाए, तो कोई भी परमानेंट यहाँ इस सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, डेमोक्रेसी बेटर होती है देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो मिस्टेक्स होती है गवर्नमेंट की उसको करेक्ट करने का मौका देती है, यानी कि गवर्नमेंट से जो भी मिस्टेक्स हो जाती है तो गवर्नमेंट इस फॉर्म में यहाँ पर क्या कर सकती है, 5 साल का टाइम होता है तो आप अपनी जो भी मिस्टेक्स है, जो भी डिसीजंस गलत लिए गए हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ये डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि सब लोगों को इक्वल फील करवाना होता है कि आप में से कोई भी किसी भी तरीके से डाउनग्रेड सिटीजन नहीं है देश का। तो रिकॉग्नाइज करती है कि जो पुअर पीपल हैं, जो कम एजुकेटेड पीपल हैं, सब बराबर हैं, चाहे आप रिच हो चाहे आप अनएजुकेटेड हो, वट एवर यू आर इक्वल, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दिस इंडिया इज योर कंट्री, ठीक है। तो ये सारे मेरिट्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ इसके वीक पॉइंट्स भी है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए हर चीज के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के भी कुछ वीक पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट आता है कीप चेंजिंग, देखिए लीडर्स कीप चेंजिंग, नेता जो होते हैं, जो नेता होते हैं वो बदलते रहते हैं, और इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट सिस्टम में। नेता कैसे बदलते रहते हैं, देखिए अचानक से सडनली कुछ भी हो सकता है, नेता रिजाइन कर दे, जो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो रिजाइन कर दे, या उनको कोई मिस हैपनिंग हो जाए उनके साथ, तो कोई भी रीजन हो सकता है, या उनको उनको टर्मिनेट कर दिया जाए उनकी पावर से, तो कोई भी रीजन हो सकता है। इस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए नेता तो चले गए लेकिन जो सिस्टम था पूरा का पूरा वो इनस्टेबल हो गया। तो ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो होती है इनस्टेबल हो जाती है अगर ये चीजें अच्छे से काम नहीं करे तो। सेकंड वन इज द इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त होता है, और एक पावर प्ले गेम है, और यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं होता मॉरालिटी का। देखिए ये चीजें हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इजी से समझ सकते हैं। इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी नेशनल पार्टीज हैं, हमारे यहाँ पर टोटल 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी, बीएसपी एंड आईएनसी, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस, तो इस तरीके की टोटल एससीपीआई, सीपीआईएमएल, तो ये 7 नेशनल पार्टीज है। सातों का आपस में बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन है और पावर प्ले है कि देखिए हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ज्यादा वो कर सकते हैं। तो मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है, यानी कि जो पीपल्स के इमोशंस हैं वो सब चीजें नहीं है। और ये चीजें अब इंडिया में, यानी कि पिछले 4-5 साल तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पिछले लास्ट डिकेड से काफी हो रही है। अभी रिसेंट में हमने महाराष्ट्र का केस देखा था, गवर्नमेंट कैसे वहां प्रेसिडेंट रूल लग गया था, और अभी हमने उससे पहले हमने कर्नाटक में देखा था कैसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट आई, फिर कांग्रेस की आई, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और अभी रिसेंट में हमने केस देखा मध्य प्रदेश का कि कांग्रेस कैसे इलेक्शन जीत के आती है, फिर उसके बाद वो हट जाए, उसके कुछ लीडर्स उसको क्विट कर देते हैं और फिर से बीजेपी की सरकार आ जाती है। तो ये है कि यहाँ पर मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट। जो लीडर्स होते हैं उनको लोगों का समझ ही नहीं होता क्या, मतलब पीपल उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, पीपल की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, देश का डेवलपमेंट चाहते हैं या क्या चाहते हैं, लीडर्स को समझ में नहीं आता। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल गो टूवर्ड्स द बैड डिसीजन। आप बैड डिसीजंस लोगे जब आपको पता ही नहीं है व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, तो आपके डिसीजंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन एंड इट इज फॉर द करप्शन की तरफ ले जाती है, और इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। देखिए जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप थोड़े से डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, आप अपने ट्रैक से थोड़ा साइड हो सकते हैं, इससे क्या होता है करप्शन इंक्रीज होगा। और इंडिया में तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल एवरीबडी इज करप्ट, ठीक है, एवरीबडी इज करप्ट, यानी कि कुछ ही लोगों को छोड़ के सब लोग करप्ट हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। अब जो आम आदमी है
जो मतलब यू नो बिल्कुल लोअर लेवल में मार्जिनल पीपल है, रिक्शा वाले, जो हम लोगों के बिल्कुल डाउन लेवल पीपल है, जो बेचारे बस अपनी जो जिनको दो वक्त की रोटी मिल जाए यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उन लोगों को क्या पता कि गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, क्या डीमोनेटाइजेशन होता है, क्या कोई वायरस होता है, क्या रेट होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। तो उनके लिए क्या डिसीजन ले जा रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हर तरीके का इंसान जो होता है वो कंट्री में मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट का जो आगे के जो इसके पार्ट है वो मैं आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके ओके गाइस।